आइए आपको सीधे पौड़ी लिए चलते हैं, जहां सीएम धामी सभा को संबोधित कर रहे हैं। दूरस्थ क्षेत्र से पहुंची हमारी माताएं, बहनें, भाई बंधु, कर्मचारी बंधु, पत्रकार मित्र और छायाकार मित्रों, मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों ने जो बहुत ही गर्मजोशी से और बहुत जोश से आप सब लोगों ने मेरा और हमारे सभी साथियों का यहाँ पौड़ी आगमन पर जो बहुत जोरदार स्वागत एवं अभिनंदन किया है, मैं भी अपना शीश झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूँ। आज जो हमारी पौड़ी ये सांस्कृतिक नगरी पौड़ी पर आने पर मैं अभिभूत हूँ। मैं देख रहा हूँ पहले में एक कार्यक्रम में, एक दो कार्यक्रमों में मैं इस मैदान में आया था। एक कार्यक्रम में श्री टीपीएस रावत जी का जब यहाँ से नामांकन हुआ था, जनरल खंडूरी साहब ने जब उस समय विधानसभा का चुनाव लड़ा था धूमाकोट से, उनका नामांकन हुआ था, इसी प्रांगण में मैं आया था। एक बार परिवर्तन यात्रा का कार्यक्रम था, उस समय भी पौड़ी आया था। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि आप सब लोग बहुत बड़ी संख्या में आए हैं और आज यहां पर बहुत सारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास यहां पर हुआ है। मैंने 4 जुलाई 2021 से मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया और तब से लेकर आज तक हमने पिछले 4 महीने में हमारी सरकार ने 400 नहीं 500 से भी ज्यादा फैसले ले लिए हैं। और लगातार जैसे मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने बहुत सारे विषयों के बारे में यहां से बता दिया, मैं उन सबको दोहराना नहीं चाहूंगा। अभी जैसे आंगनबाड़ी की बहनें यहां पर धन्यवाद कर रही थी, हमारे ग्राम प्रधान संगठन के लोग धन्यवाद कर रहे थे, और ये पौड़ी जो आंदोलन की भूमि है, हमने आंदोलनकारियों का भी जो उनके आश्रितों को दिया जाने वाला पेंशन था, उस पेंशन को पति या उनके पत्नी दोनों आश्रितों के लिए भी करने का हमने निर्णय किया है। साथ में जो 3100 रुपया पेंशन मिलती थी उसको हमने 4600 रुपया किया है। इसी प्रकार से जो 5100 पेंशन मिलती थी उस पेंशन को हमने 6000 रुपये करने का निर्णय लिया है। हमने हर क्षेत्र में, चाहे वो हमारे त्रिस्तरीय पंचायत में काम करने वाले ब्लॉक प्रमुख हो, क्षेत्र पंचायत के सदस्य हो, कनिष्ठ प्रमुख, ज्येष्ठ प्रमुख, उप प्रधान, जिला पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, सभी को हमने किसी को नहीं छोड़ा है। इसलिए कि वैसे तो हमारे अधिकांश ग्राम प्रधान और हमारे त्रिस्तरीय पंचायत में काम करने वाले सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और थोड़ा बहुत उनकी जो मानदेय में वृद्धि हुई है, ये मानदेय की वृद्धि को कभी पैसे से या उनके रुपयों की राशि से उसका तुलना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हमने कहा है कि ये लोग माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो त्रिस्तरीय पंचायत को पूरे देश के अंदर मजबूत करने का जो संकल्प लिया है, उस कड़ी में हमने भी कहा कि हम उनका प्रोत्साहन करेंगे, क्योंकि सरकार की जितनी योजनाएं हैं उन सरकार की योजनाओं को आम जनता और सामान्य जनता तक ले जाने का कोई काम करता है तो हमारे त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि करते हैं। तो इसलिए हमने तय किया कि हमारी सरकार उनका प्रोत्साहन करेगी। आज मुख्य सेवक के रूप में मुझे बेहद खुशी होती है कि जहां जहां पर भी मैं जाता हूं, हमने मातृशक्ति के लिए लगातार, चूंकि कोरोना महामारी हो या राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत, चाहे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से काम करने वाली हमारी बहनें हों, उन सभी बहनों के लिए हमारी सरकार ने यह निर्णय किया कि कोरोना महामारी के दौरान उनके बहुत सारे काम धंधे जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से करती थी, उस स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उनके काम लगातार होते रहे, लेकिन महामारी के आने से उनके काम रुक गए और रुक जाने से बहुत सारा जो उनका सामान था, कोई बुनाई का काम करते थे, कोई सिलाई का काम करते थे, कोई जो है मसाला बनाने का काम करते थे, कोई अचार बनाने का, कोई मुरब्बा बनाने का काम करते थे, अलग अलग स्थानों पर कोई बकरी पालन का, भेड़ पालन का काम करते थे,
उनको अपने इस महामारी के दौर में वो अपने पैरों पर मजबूती से खड़े रहे, इसके लिए हमारी सरकार ने तय किया कि हम 119 करोड़ रुपए का एक पैकेज उनके लिए घोषित करेंगे। और हमने केवल पैकेज ही घोषित नहीं किया, ऐसे पैकेज हमने हर क्षेत्र में घोषित किए, चाहे वो चार धाम यात्रा में जो लोग हमारी उनकी यात्रा न चल पाने के कारण से पर्यटन के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अभी बड़ी खुशी हो रही थी युवक मंगल दल के लोग, महिला मंगल दल के लोग, सभी के लिए हमने बिजली के टैक्स माफ किए, हाउसों के टैक्स माफ किए, बहुत सारे निर्णय हम लोगों ने लिए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं ये सब निर्णय ले रहा था, हमारी सरकार ये निर्णय ले रही थी, तो तमाम प्रतिपक्ष के नेतागण जो बड़ी बड़ी बातें करते थे अपने समय में, उन्होंने घोषणाएं बहुत करी लेकिन धरातल पर एक भी नहीं उतरी। मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमने 119 करोड़ का जो पैकेज दिया था उसके 5-5 लाख रुपए के चेक आपके सामने आज वितरित हो रहे हैं। इसी प्रकार से जो युवक मंगल दल, महिला मंगल दलों के लिए हमने घोषणा करी कि हम उनको प्रोत्साहन राशि देंगे, उसके चेक भी लगातार वितरण हो रहे हैं। इसी प्रकार से मैं जहां जाता हूं, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले हो, परिवहन के क्षेत्र में काम करने वाले हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करने वाले हो, उन सभी दलों के लोग, उनसे जुड़े हुए हमारे जितने भी समूह हैं, सारे के सारे आकर वो धन्यवाद करते हैं कि डीबीटी के माध्यम से वो पैसा उनके सीधे सीधे खातों में आना शुरू हो गया है। मुझे बेहद खुशी है कि हमने पिछले दिनों हम उत्तराखंड की खेल नीति लेकर आए हैं, 2021 की खेल नीति लेकर आए हैं, और इस खेल नीति में हमने प्रावधान किया है कि ऐसे बच्चे जो होनहार है, चाहे बेटी है बेटा है, अगर वो खेलने जाना चाहते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जाना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना चाहते हैं, तो उनको अब किसी को देखना नहीं पड़ेगा। आज से पहले होता है ना कि जो बच्चे खेलने के लिए जाते थे तो उनको सोचना पड़ता था कि किराया कौन देगा, उनके खाने का सामान कौन देगा, उनके रहने की व्यवस्था कौन करेगा। अब हमने तय किया है नई खेल नीति में कि अब ऐसे बच्चे जिनके अंदर योग्यता होगी, क्षमता होगी और मेहनत करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको पैसे के अभाव में, संसाधनों के अभाव में रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा, वो बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे। क्योंकि इससे पहले होता ये था कि जब बच्चे कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई पदक जीतकर आते थे, कोई शानदार प्रदर्शन करते थे, तो उनको इनाम देने वालों की झड़ी लग जाती थी, एक के बाद एक इनाम देते थे लोग, कोई पैसे में इनाम दे रहा है, कोई पदक दे रहा है, कोई सम्मानित कर रहा है। जब पदक मिल जाता था उसके बाद उनको कोई परेशानी नहीं होती थी, लेकिन जब तक पदक नहीं मिला तब तक उनको जो है दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा। अब हमने नई खेल नीति में ये प्रावधान किया है कि वो बच्चे खेलने जाएंगे तो सरकार उनकी व्यवस्था करेगी, वो बच्चे अगर कहीं वहां रहने की व्यवस्था होगी वो भी सरकार करेगी, उनके लिए खाने पीने का जो सामान होता है उस सामान की व्यवस्था भी सरकार करेगी, आगे चल के जो पदक जीत कर आएंगे उनकी नौकरी की व्यवस्था भी सरकार करेगी। आज हम हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बीच का हर क्षेत्र में रास्ता निकाल रहे हैं। हमने कहा था हम आंगनबाड़ियों का मानदेय बढ़ाएंगे, अभी हमारी बहनें आई थी, आप चिंता मत करिए, ये हमारी कैबिनेट ने पास कर दिया है, ये आपको जल्दी ही इसका मानदेय मिलने वाला है, बढ़ा हुआ मानदेय मिलने वाला है। आशा बहनों का बढ़ा दिया, उनको भी मिलने वाला है। हमारे सरकारी कर्मचारियों का अभी अभी फोन आया था, मैं जब यहाँ पौड़ी के लिए आ रहा था, वो कह रहे हैं कि 6 तारीख को हम आपका अभिनंदन करना चाहते हैं, आपने हमारे गोल्डन कार्ड की जो लंबे समय से समस्या चली आ रही थी उस समस्या का हल कर दिया है। इसी प्रकार से हमारे उपदल कर्मचारियों का हमने उनका भी मानदेय बढ़ा दिया है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां हमने छोड़ा हो। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना में हमने अभी सब्सिडी बढ़ाने का निर्णय किया है, 10 लाख से लेकर 25 लाख तक की सब्सिडी हमने बढ़ाई है। हर क्षेत्र में, चाहे सड़कों का क्षेत्र हो, चाहे परिवहन का क्षेत्र हो, चाहे वो बिजली का क्षेत्र हो, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में हम उत्तराखंड को आगे नहीं ले जाना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के साथ विशेष लगाव है, यहां से उनका एक जुड़ाव है, और उन्होंने कहा कि मेरा रिश्ता उत्तराखंड के साथ कर्म और मर्म दोनों का रिश्ता है। और पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री जी यहां केदारनाथ में आए थे तो केदारनाथ जी में उन्होंने कहा कि हम 2025 जब उत्तराखंड का हम 25वां स्थापना दिवस मना रहे होंगे तो उत्तराखंड हर दृष्टि से
चाहे हम सड़कों की दृष्टि से देखें, चाहे हम परिवहन की दृष्टि से देखें, चाहे हम आज रोजगार की दृष्टि से देखें या पलायन रोकने की दृष्टि से देखें, हर क्षेत्र में उत्तराखंड हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य होगा। इस राज्य को बनाने का काम उत्तराखंड की दोनों उत्तराखंड की सरकार और केंद्र की सरकार मिलकर करेंगे। ये डबल इंजन की सरकार, हम वचनबद्ध है, संकल्पबद्ध है कि हम बीच का रास्ता निकाल रहे हैं। अभी भाई दिलीप रावत जी कह रहे थे कि पिछले अभी कल हमने देवस्थानम एक्ट को वापस लिया है। पिछले दिनों जब मैंने 4 जुलाई को मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया, उस दिन से लगातार इस क्षेत्र के महापंचायत के लोग, तीर्थ पुरोहित, हमारे पंडा समाज के लोग, रावल हक हकूकधारी और तमाम समितियों के लोग, हमारे जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के लोग, शैक्षिक संगठनों के लोग, धार्मिक संगठनों के लोग लगातार मुझे मिलते रहे। उनका कहना था कि हमारी बात नहीं सुनी गई, हमें इससे ये परेशानी है। हमने कहा नहीं, हम इसके लिए कोई रास्ता निकालेंगे और जो भी रास्ता होगा वो सर्वमान्य रास्ता होगा। और मैंने मुख्य सेवक के रूप में जैसे ही जिम्मेदारी संभाली, उसी दिन मैंने तय किया था कि का निर्माण करूंगा, इसमें एक कमेटी बनाऊंगा, एक हाई